और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से लौटकर खटीमा पहुंचे कार्यवाहक सीएम धामी और खटीमा में ही होली मनाएंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उनकी वापसी हो चुकी है। सांसद अनिल बलूनी से भी धामी ने मुलाकात की और अब वो खटीमा पहुंच चुके हैं। होली का त्योहार परिवार के साथ मनाएंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि होली के एक दिन बाद यानी कि 19 तारीख को पर्यवेक्षक पहुंचेंगे वहां पर और रायशुमारी की जाएगी और इसके बाद विधानमंडल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बधाई दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने एक प्रचंड बहुमत पूरे उत्तराखंड के अंदर मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमको प्रचंड जीत मिली है। हम उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं उनके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देहरादून से विनोद कुमार जुड़ चुके हैं और जानेंगे कि क्या है अपडेट, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तो पहुंच चुके हैं उत्तराखंड खटीमा में ही होली मनाएंगे विनोद, लेकिन जानकारी यह है कि लगभग दिल्ली से नाम फाइनल हो चुका है और अब 19 तारीख को जब वहां पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे तो विधानमंडल की बैठक भी उसी दिन होने वाली है। क्या तस्वीर पहाड़ की आप समझ पा रहे हैं इस वक्त? जया देखिए, वैसे तो आज मुख्यमंत्री शाम को होली मनाकर देहरादून पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह से एक सप्ताह करीब हो चुका है, चाहे बीएल संतोष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, तमाम इन पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में उत्तराखंड के तमाम नेताओं की बातचीत हुई है, बैठकों का दौर जारी है। तो इन बैठकों से निकल कर सामने आ रहा है कि अधिकांश जो मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं फाइनल हो चुका है, लेकिन विधानमंडल दल की बैठक जब होगी उसका ऐलान तब किया जाएगा। अधिकांश जो नाम होगा वो फाइनल हो चुका है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी था। उससे ठीक पहले अगर बात करें तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनकी दिल्ली दौड़ थी, हालांकि वो अपने अपने क्षेत्रों में लौट चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से उनको 19 मार्च को देहरादून बुलावा भेजा गया है क्योंकि सभी लोगों को विधानमंडल दल की बैठक में शामिल वो हो सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उससे ठीक पहले संगठन की ओर से तमाम पार्टी के विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को देहरादून आने के लिए बुलावा भेजा गया है। और ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि 19 मार्च को लेकर जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है उसको लेकर उससे ठीक पहले यानी सुबह को दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे और विधानमंडल दल की बैठक से पहले एक रायशुमारी तमाम विधायकों के साथ में होगी, आखिरकार किसकी मत क्या है, किसके उत्तराखंड की कमान किसको सौंपी जाए, तो वो अनऑफिशियली एक रायशुमारी पार्टी के विधायकों के साथ में करने वाले हैं। और 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम भी रखा गया है, उसकी भी जानकारी ऐसी मिल रही है। तो ये आप जया मानिए कि जो बैठकों का दौर था करीब एक सप्ताह हो चुका है, उससे कहीं ना कहीं नाम तो फाइनल जरूर हो चुका है लेकिन उसको सार्वजनिक विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही किया जाएगा। पूरी सरगर्मी तेज है और ऐसे में लंबी लिस्ट है जो, क्योंकि चाहे धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, मदन कौशिक हो, महिला नेत्री रितु खंडूरी हो, और उसके अलावा क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है, करीब 7 ऐसे विधायक हैं, उससे ऐसा भी माना जा रहा है कि, और संभावना ऐसी भी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए, क्योंकि तमाम सारी अटकलें हैं जया। और उसके बाद ही जैसे विधानमंडल दल की बैठक होगी उससे ठीक पहले दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे, पार्टी के तमाम विधायकों के साथ में रायशुमारी करेंगे और आखिरकार किसके नाम पर मोहर लगती है वो तो 19 मार्च को या 20 मार्च को ही पता चलेगा। 19 मार्च को तस्वीरें साफ हो जाएगी विनोद, लेकिन देखिए अब दावेदारों की लिस्ट भी बढ़ने लगी है, प्रेमचंद अग्रवाल भी अब इसमें शुमार हो चुके हैं, लेकिन माना ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं जैसा कि आप भी अपडेट कर रहे हैं कि लगभग दिल्ली से नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी इंतजार 19 मार्च का हम सबको करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।